सच्चा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे सिकर का सुबह पे स्वाद रखना, दिल के संग को मैं मेरे अच्छे। मीडिया हाउस राजस्थान में आज के समय में बढ़ते तनाव को देखते हुए मनोरंजन के बहुत सारे साधन हमारे सामने आ चुके हैं। मोबाइल है, टीवी है, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लेकिन एक चीज़ है जो मनोरंजन के मामले में हमेशा से कॉन्स्टेंट है, वह है FM। आप सब FM सुनते हैं जब आप कार में होते हैं, जब आप ऑफिस में होते हैं, या जब आपका मन करता है, लेकिन आपने कभी इन FMs में बोलने वाले RJ को सीधे तौर पे नहीं सुना है, आपने कभी उनको देखा नहीं। आपको उनकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, आप उन्हें देखना चाहते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे ही RJ हैं, केरला से हैं, और नाम है RJ अनूप। केरला से आए हैं कोटा, तो हमने RJ अनूप से एक सेशन करने की बात करी। RJ अनूप से हम कई सारी ऐसी चीज़ें जानेंगे जो आप FM के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी लाइफ से जुड़ी, उनके स्टूडियो से जुड़ी। स्वागत है अनूप आपका। सबसे पहले कैसा लग रहा है कि आज कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है, माइक किसी और के हाथ में है, आपको जवाब देना है? इट्स फर्स्ट आई शुड से दैट इट्स ऑसम, क्योंकि मैंने इतना इंटरव्यू लिया, लाइक थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यू लिया, कभी मेरा इंटरव्यू फर्स्ट चल रहा है। इट्स क्या है, इट्स अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी गुड। पहली बार किसी ने कहा कि स्वागत है आपको स्टूडियो में? नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं करता था। ओके, आप हमें अपने बारे में बताइए, अपने चैनल के बारे में बताइए कि कैसे आप काम करते हैं, RJ कैसे बनना हुआ है आपका, कैसे आप इस दुनिया में आए, RJ वाली फील्ड में आए? आई लव म्यूजिक एंड म्यूजिक तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो RJ का इंटरव्यू चल रहा था, सो मैं उधर गया, कई लोग था, सो उन्हें कई कई प्रश्न पूछा, देन दे चेक माई वॉइस, ओके इट वॉज गुड। देन उन्होंने पूछा मैनी मैनी, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ इंटरव्यूज। बाद में RJ ट्रेनी बन गया, बाद में उसे 6 months से RJ बन गया। बाद में स्टूडियो में मालूम है ना, रोज रोज 24 hours हमारा दिमाग कंटिन्यूसली चलना पड़ता है, क्योंकि आज का क्या बोलता है, आज के प्रोग्राम के लिए हम लोग 3 दिन के पहले प्रिपेयर करते हैं। ऐसा चलता है हमारा रेडियो का। इट्स विल बी वेरी इजी टू हियर, इजी होता है सुनने के लिए, बहुत इजी होता है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू RJ जो ऐसा RJ जो मैं आया। अच्छा, मैंने एक बात सुनी है कि जॉब तो 7 से 8 घंटे की होती है, लेकिन एक बार आप स्टूडियो पहुंच गए तो फिर 48 आवर्स, उससे भी ज़्यादा आपको रुकना पड़ता है, कई बार 2-2 दिन कंटिन्यूसली आप स्टूडियो में रह के काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इफ़ 6 लोग होता है RJ, उसमें 2 लोगों को छुट्टी लेना पड़ता है, तब उनका प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट, वो प्रोग्राम का स्क्रिप्ट वगैरह पूरे के पूरे हम लोग करना पड़ता है। अच्छा, तो इट्स 9 hours, 10 hours एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बाद में नेक्स्ट डे का प्रोग्राम हम लोग को स्क्रिप्ट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, नहीं तो मेमोरी में लिखना पड़ता है, हम लोग क्या कहते हैं मोबाइल में नोट बनाकर रखता है। सो बिफोर 2 days वी हैव टू गिव द एक्चुअल प्रोडक्ट, क्या कहने वाले है, व्हाट विल बी योर टॉपिक, क्या सुनाने वाले हैं, ऐसे हम लोग को हमारा हेड को बताना पड़ेगा। सो ऐसा चला 24 hours, या ब्रेन चलता रहता है कंटिन्यूअसली। या अच्छा, RJ के अलावा मैंने सुना आप एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, गाना भी गाते हैं, तो अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे सिकर का सुबह पे स्वाद रखना, दिल के संग को मैं मेरे अच्छे काम रखना, चिट्टी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया, ओ पिया। कैसा लगा आपको, एकदम डिफरेंट कल्चर हो गया, केरला राजस्थान पूरा डिफरेंट है, तो आपको कैसे लगा यहाँ पे आके? कोटा, मैंने सोचा कोटा इज़ लाइक हम लोग हिस्ट्री में पढ़ता था,
राजस्थान तो डिसर्ट होता है, पूरे पानी नहीं मिलता, ऐसा ऐसा सोचा था, लेकिन इधर आके अच्छा, लाइक इट्स अ वंडरफुल, क्या बोलता है, वंडरफुल सिटी था, एंड गुड रोड्स, आई मीन हाईवेज आर वेरी वेरी नाइस. एंड उधर से मेरा फ्रेंड अजय ने ईच एंड एवरी प्लेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. वो क्या बोलते हैं, महाभारत नहीं है वो, भगवद्गीता का, श्री कृष्ण का वो मूर्ति, एंड दुल्हन दुल्हनिया, लाइक एवरी एंड दैट पिलर्स, क्या बोलता है, पिलर्स है ना, फोर पिलर्स, उसमें हाथी बैठा हुआ है, वो पूरे देखा. एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कल्चर इन बोथ स्टेट्स? केरला तो अलग है, कोटा तो डिफरेंट है. कैसा है कि इधर तक इधर का कल्चर है कि लाइक व्हाट आई हैव टू से, टोटली डिफरेंट. अल्टीमेटली बोथ आर टू कॉइन्स, कॉइन्स का दूसरा साइड है ना, ऐसा हाँ सीखे. लाइक उधर का फूड अलग है, उधर का फूड एंड द स्पाइसेस एंड एवरीथिंग अल्टीमेटली डिफरेंट है. एंड हॉस्पिटैलिटी उधर का पीपल का वो लव केयर तो इतना बड़ा है, इट्स वेरी हाई एंड या वेरी डिफरेंट. एंड इट्स अ वंडरफुल सिटी टू लिव. एंड इतना मैंने कई सिटी में, मुंबई दिल्ली में गया, उधर तो गंदा गंदा गंदा, आई मीन इट्स नॉट दैट क्लीन एंड परफेक्ट. या मोस्ट ऑलमोस्ट द मेन सिटीज आर परफेक्टली क्लीन. एंड बारिश होता तो थोड़ा मट्टी होता है, बाद में अच्छा क्लीन रहता है, इट्स वेरी नाइस. अच्छा एक सवाल मेरे मन में जो आपसे पूछना है, आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि साउथ में हीरो बन जाओ? कोई अभी तक कहा नहीं. कोई अभी तक कहा नहीं. एंड मेरा पूरे के पूरे फ्रेंड्स फिल्म में काम करता है, स्क्रिप्ट राइटर्स है, डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, एक्टर्स एक्ट्रेस है, पूरे के पूरे मीडिया में एंड मूवी में काम करता है. एंड मैंने तो दो शॉर्ट फिल्म को स्टोरी लिख दिया, अभी एक मूवी का स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, इट्स नॉट कम्प्लीटेड, वर्किंग ऑन इट. एंड तब मन चला फ्रेंड्स को मिलने के लिए, सो गोटा आ गया. इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस. व्हाट इज द फ्यूचर प्लान्स? यू वांट टू बिकम अ बिग आरजे और दैट और एनीथिंग एल्स? एंड आई जस्ट वांट टू स्टार्ट अ न्यूज चैनल, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट एंड ऑन न्यूज चैनल एंड ऑन न्यूज रेडियोज. सो आई वॉज एन आरजे कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, ऐसे ऐसे ऊपर आया, स्टेशन हेड तक आया, स्टेशन हेड बन गया. तो मैंने सोचा एक कई आरजे को ट्रेन कर ऑल इंडिया में एक रेडियो जैसा ऑनलाइन रेडियो करके पूरे इंडिया में कई लैंग्वेज में, राजस्थान में, मुंबई मराठी में किया तो अच्छा लगेगा, क्योंकि रेडियो का वो लिजनेस मतलब एक ही रेडियो के अलग अलग लैंग्वेज में या आरजे हो और लिसनर्स अलग अलग. ना आरजे भी राजस्थान में आरजे राजस्थान की होगा, केरला के आरजे केरला की होगा, मुंबई में मराठा या उधर सेलेक्ट करके. तो ये प्लान है आपका आगे करने का? या एंड आई जस्ट वांट टू डू अ मूवी, उसका स्क्रिप्टिंग चल रहा है. इसके लिए थोड़ा माइंड रिलीफ होना था तो टोटली घूम कर आए. ओके वन लास्ट क्वेश्चन, इफ एनी पर्सन वॉन्ट्स टू बिकम आरजे, कोई एक नया लड़का है वो आरजे बनना चाहता है, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे, कहाँ से शुरू करें, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखें? खुलकर बात करना सीखो, दिल से बात करना है. कई हम लोग थोड़ा अंदर से हाइड कर बात किया तो दूसरे के दिल पर नहीं, आई मीन छुए कर, क्या बोलता है, इट विल नॉट टच अदर्स हर्ट. दिल से बात किया तो उन लोगों को इतना अच्छा लगेगा, अपना हो जाएगा. सो कोई बात कहो, कोई वाट एवर यू से इट फ्रॉम योर ऑन एक्सपीरियंस, फ्रॉम योर हर्ट, इट विल गो डायरेक्टली टू अदर्स हर्ट. एंड ऑल्सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वॉइस. वॉइस उतना ऊँचे आवाज़ में शाउट मत करना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. एंड टू ऑब्सर्व एवरीथिंग, एवरी लिटिल थिंग. वो हम लोग बात करते हैं ना कंटिन्यूसली, ऐसा बात करते ही जा रहे हैं, तो तब किधर भी रुकना मत. ये हिंदी में इसलिए आई एम स्टॉपिंग हियर एंड देयर. इफ इट्स इन मलयालम,
इट विल नॉट स्टॉप कंटिन्यूसली वी कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स क्योंकि उतने ऑब्जर्व करना पड़ता है छोटे एक एक चीज़ को 32 साइड से देखना पड़ता है एक चीज़ को एक वॉच आ गया मेरे हाथ में 32 तरीके से देखना पड़ता है ऐसा करना है एंड यू शुड नो द कल्चर ऑफ वर यू बॉर्न वर यू बीन सो उधर का कल्चर फूड आइटम्स रिलेटिव्स फ्रेंड्स एवरी थिंग्स यू शुड नो इतना हो गया तो व्यक्ति विशेष की इस खास सीरीज में आपसे हमने मुलाकात करवाई आरजे अनूप की आरजे अनूप केरला से हैं केरला की कई सारी सिटीज़ में इनके प्रोग्राम्स आते हैं इनका कहना है कि एक ऐसा लड़का जो आरजे बनना चाहता है उसे सबसे पहले दिल से बोलना सीखना होगा इसके अलावा उसकी क्षेत्रीय भाषा में पकड़ होनी चाहिए वहीं साथ साथ उसे सच बोलना भी आना चाहिए और उसकी भाषा में एक फ्लो होना चाहिए कोटा घूमने आए आरजे अनूप को कोटा और राजस्थान के कल्चर में कुछ अलग लगा जो शायद केरला में नहीं है धन्यवाद